हेलो एवरीवन, वेलकम टू पासर क्लासेस। माय नेम इज वरिंदर कौर। सो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग के एक मिनट की वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बतानी है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे कि आपको आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्प मिलने वाली है। बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि मैम आप एग्जाम पास में है तो आप प्लीज पहले क्वेश्चन की वीडियोज प्रोवाइड करवा दीजिए, आंसर्स की वीडियोज आप बाद में ले आइएगा या हम आंसर्स की पीडीएफ खरीद लेंगे। तो इसलिए आप लोगों की ही डिमांड पर आज का ये वीडियो है, जिसमें हम आपकी पूरी बुक में से हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स की पीडीएफ भी ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और इन क्वेश्चंस के आंसर की पीडीएफ भी जरूर ले लें। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारे हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में। तो आइए स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हिस्ट्री? व्हाट इज हिस्ट्री यानी कि इतिहास से आप क्या समझते हैं, या आपको इतिहास की यहाँ पर परिभाषा देनी है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर जातक्स? जातक्स कौन थे या जातक्स क्या होते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट आर द उपनिषद्स? उपनिषद क्या होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, हु वाज बाणभट्ट? बाणभट्ट कौन थे। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाई इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन कॉल्ड द हरप्पन सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी क्यों कहा जाता है, इसका आपको रीज़न बताना है, क्यों कहा जाता है, तो कारण आपको यहाँ पर मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु डिस्कवर्ड मोहनजोदारो? मोहनजोदारो की खोज किसने की थी। नेक्स्ट है, अकाउंट फॉर द डिक्लाइन ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन? यहाँ पर आपको हरप्पन सिविलाइजेशन की डिक्लाइन यानी कि हरप्पन सिविलाइजेशन के पतन के रीज़न बताने हैं और साथ ही साथ उसके प्रभाव भी बताने हैं। तो यहाँ पर आपको अकाउंट लिखना है, यानी कि पूरे के पूरा जो है छोटा सा लेख उसके ऊपर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द अर्ली वैदिक आर्यन? आपको अर्ली वैदिक आर्यन का मेन जो उनका काम था, ऑक्यूपेशन यानी वो किस तरह से अपने घर को चलाते थे, सामाजिक गतिविधियाँ करते थे, उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट इज, डिफाइन द टर्म मोनोगैमी? यहाँ पर आपको मोनोगैमी को परिभाषा देनी है, मोनोगैमी यानी कि एक विवाह। और नेक्स्ट क्वेश्चन में है, पॉलीगैमी यानी कि बहुविवाह, तो दोनों की परिभाषा लिखने के लिए आपको आ सकती है। नेक्स्ट इज, ब्रीफली एक्सप्लेन द फोर वेदास? तो यहाँ पर आपको फोर वेदास के नाम भी बताने हैं और उसके साथ साथ आपको ये बताना है, उनको एक्सप्लेन करना है कि कौन से वेदास में मंत्र है और कौन से वेद में जो है व्याख्या दी हुई है, तो आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट काइंड ऑफ चेंज टुक प्लेस इन परफॉर्मिंग यजना ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड? तो यजना जो था वो क्या रोल निभाता था, ठीक है, तो किस तरह से यजना में चेंज आए हैं जब लेटर वैदिक पीरियड यानी कि उत्तर वैदिक काल आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ मौर्यन रूल इन द फील्ड ऑफ आर्ट? मौर्य साम्राज्य के क्या योगदान है कला में, जब उन्होंने जो कला है साहित्य कला थी, तो उसमें मौर्य साम्राज्य की क्या देन है, उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट इज, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्तूपा? तो आपको यहाँ पर स्तूप की जो है वो इम्पॉर्टेंस बतानी है, महत्ता बतानी है कि क्या इम्पॉर्टेंस रखते हैं स्तूप हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एमर्जेंस ऑफ कलिंगा? तो आपको कलिंग के यहाँ पर उद्भव यानी कि कलिंग के आने के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है कि कलिंग भारत में कैसे आए थे। नेक्स्ट है, डिस्कस द पोजीशन ऑफ वुमेन एंड अनटचेबल इन द गुप्ता पीरियड? तो गुप्त काल के अंदर औरतों की कंडीशन और जो अनटचेबल थे यानी कि जैसे कि जिनको छूते नहीं थे, तो उनकी आपको स्थिति बतानी है कि उनकी क्या स्थिति थी। हु वाज चंद्रगुप्त सेकेंड? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज चंद्रगुप्त सेकेंड? हाउ डिड ही एक्सटेंडेड एंड कॉलिस्टेटेड हिम इज एम्पायर? तो यहाँ पर आपको चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में बताना है और ये भी बताना है कि किस तरह से उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन चोल किंगडम इन साउथ इंडिया? तो यहाँ पर आपको प्रबंध बताना है यानी कि उनका एडमिनिस्ट्रेटिव चोल साम्राज्य वालों का क्या स्ट्रक्चर था, उनका प्रबंध कैसा था, जैसे कि राजनीति को चलाने के लिए उनका क्या स्ट्रक्चर था। तो एडमिनिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर बताना है चोल किंगडम का साउथ इंडिया में यानी कि दक्कन की तरफ आपको बताना है। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द राइज ऑफ राजपूत इन द अर्ली मेडिवल पीरियड? यहाँ पर आपको राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बताना है कि जब अर्ली मेडिवल पीरियड था तब राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी, तो उसके बारे में आपको देना है कि वो कहाँ से आए थे,
किस जात से बिलोंग करते थे और किस तरह से उन्होंने भारत के अंदर अपनी जो है अपने लिए जगह कैप्चर की और वहाँ पर वो लोग स्थायी रूप पर रहने शुरू हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज मोहम्मद गजनी, व्हाई डिड ही इन्वेड इंडिया। जो अगला क्वेश्चन है उसमें ये पूछा जा रहा है कि मोहम्मद गजनी कौन था और उसने भारत पर हमला क्यों किया था। क्वेश्चन नंबर 21 इज डिफ्रेंशिएट द पॉलिटिकल अचीवमेंट बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड मोहम्मद ऑफ गजनी। यहाँ पर आपको मोहम्मद ऑफ गजनी लिखा है लेकिन इसका नाम मोहम्मद गजनी है, थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ पड़ा है। तो आपको बताना है कि उनके पॉलिटिकल यानी राजनीतिक जो उनकी सफलताएं थी तो क्या थी मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनी के बीच में, आपको डिफ्रेंशिएट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब इन ब्रीफ द इनोवेटिव पॉलिसीज ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपको यहाँ पर जो मोहम्मद बिन तुगलक की पॉलिसीज थी, इनोवेटिव पॉलिसीज यानी कि वो भारत में अपने साम्राज्य का जो विस्तार करना चाहता था, तो उसने कौन सी रणनीतियाँ, ठीक है, कौन सी कूटनीतिक रणनीतियाँ उसने अपनाई थी उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 इज हु वाज सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी कौन था, राइट अ पैराग्राफ ऑन हिज एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि उसका जो राज्य को लेकर शासन को लेकर उसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है कि किस तरह से वो राज्य को चलाता था, तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द चैलेंजेस फेस्ड बाय द हुमायूं आफ्टर बाबर्स डेथ। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं के सामने कौन सी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई थी, लाइक अफगानों की प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई थी, ठीक है, तो जाटों की हो गई थी, तो आपको ये बताना है कि हुमायूं को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा या कौन कौन सी चैलेंजेस, चेतावनियां उसके लिए खड़ी हो गई थी बाबर की डेथ के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रीफली एक्सप्लेन द मुगल रिलेशन विद राजपूत। तो आपको यहाँ पर बताना है, एक्सप्लेन करना है, डिटेल में लिखना है कि मुगलों के रिलेशंस कैसे थे राजपूतों के साथ। अगला क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन औरंगजेब्स पॉलिसी एंड द टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ द मुगल एम्पायर अंडर औरंगजेब। औरंगजेब की कौन सी रणनीति थी, कौन सी उसकी नीतियां थी, ठीक है, और किस तरह से मुगल एम्पायर का विस्तार हुआ औरंगजेब के नेतृत्व में, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो 6 मार्क का ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, लेंथी क्वेश्चन है, ओके। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब अमर नायका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आपको अमर नायक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 इज डिस्क्राइब द प्रिपेयरनेस ऑफ द आर्मी ऑफ द विजयनगर एम्पायर। तो आपको यहाँ पर विजयनगर एम्पायर के जो आर्मी है वो किस तरह से प्रिपेयर होते थे उनके बारे में, सेना के बारे में यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ द इक्ता सिस्टम अंडर द सल्तनत, अंडर द दिल्ली सल्तनत। तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली क्या थी उसका आपको यहाँ पे विश्लेषण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ द जागीरदारी सिस्टम। जागीरदारी सिस्टम की, जागीरदारी प्रथा की मेन विशेषता आपको यहाँ पर बताने की कौन कौन से फीचर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमेंट द करेंसी सिस्टम ऑफ अर्ली मेडिकल पीरियड मेडिवल इंडिया। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। कमेंट द करेंसी सिस्टम, तो यहाँ पर आपको करेंसी सिस्टम बताना है मेडिवल पीरियड का, कि मेडिवल पीरियड में वैदिक काल में जो था तो उसमें जो है करेंसी सिस्टम कैसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 इज व्हाट वर द बर्डन्स इम्पोज्ड ऑन द पीजेंट्री इन द मेडिवल पीरियड। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पीजेंट्री यानी कि जो जुताई वाले लोग थे यानी जो खेतों की जुताई करते थे तो उनके ऊपर कौन कौन से बर्डन थे, तो ये आपको यहाँ पर मेडिवल पीरियड के बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 33 इज व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सूफिज्म। सूफिज्म की यहाँ पर आपको परिभाषा देनी है। क्वेश्चन नंबर 34 इज व्हाट वर द सिमिलैरिटीज इन द टीचिंग ऑफ वेरियस भक्ति सैन। क्या सेम है, सिमिलैरिटीज हैं क्या, वो चीज़ें सेम हैं टीचिंग्स में अलग अलग भक्ति सेंट्स की, यानी कि अलग अलग भक्ति संत जो हैं उन सब के अंदर ऐसे कौन से उपदेश हैं जो सबके सेम ही मिलते हैं, तो आपको सिमिलैरिटीज बतानी है उनकी शिक्षाओं की। अगला क्वेश्चन है व्हाट वर द इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द भक्ति मूवमेंट इन बंगाल महाराष्ट्र। तो वो कौन सा इम्पॉर्टेंट विकास हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था भक्ति मूवमेंट का बंगाल महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र बंगाल में किस तरह से भक्ति मूवमेंट का विकास हुआ था। अगला है हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक। यहाँ पर आपको गुरु नानक देव जी की जो है टीचिंग्स के बारे में बताना है कि वो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं के।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रीफली एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द सूफी मूवमेंट। यहाँ पर आपको सूफी मूवमेंट के इम्पॉर्टेंट विशेषताएं बतानी है, फीचर्स बताने हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें पूछा गया है हु एस्टैब्लिश्ड द चिश्ती सिलसिला, व्हाट वर द बिलीफ ऑफ द चिश्ती। तो चिश्ती सिलसिला जो है उसके संस्थापक कौन थे, किसने उसे स्थापित किया था, और साथ ही साथ उनके बिलीफ्स आपको बताने हैं कि वो किन चीजों में विश्वास रखते थे। आगे है आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब व्हाई डिड द मुगल अथॉरिटी डिक्लाइन सो फास्ट। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल एम्पायर का फटाफट से डिक्लाइन हो गया था, पतन हो गया था, तो वो यहाँ पर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वर होल्कर्स, हाउ दे एस्टैब्लिश देयर पावर इन इंडिया। तो यहाँ पर आपको बताना है कि होल्कर कौन थे और उन्होंने किस तरह से भारत के अंदर अपनी प्रजा का, अपने साम्राज्य का, अपनी शक्ति का विस्तार किया था। अगला क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय बहादुर शाह जफर। तो यहाँ पर आपको बहादुर शाह जो है, जफर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन बहादुर शाह की पॉलिसीज बतानी है, नीतियां अपनानी की, कौन सी नीतियों को अपनाकर बहादुर शाह जो है उन्होंने अडॉप्ट की थी, अपनाई थी भारत के अंदर अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए। डिस्क्राइब द एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में जो एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल हुआ था उसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, नोट लिखना है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सर्कमटेंसेस ऑन द कंक्यूसेस ऑफ द बटल इन ऑफ बक्सर इन 1764। तो यहाँ पर आपको हालात बताने हैं कि भारत के अंदर जो बैटल हुई थी, बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में, वो किन हालातों में हुआ था। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ड्यूल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल। तो बंगाल की जो दोहरी प्रणाली थी, ठीक है, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। अगला है व्हाट वर द रेवेन्यू पॉलिसीज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश एंड व्हाट चेंजेस डिड दे बीइंग अबाउट इन द कंट्री साइड इन द कॉलोनी। यानी कि आपको बताना है कि वो कौन सी रेवेन्यू पॉलिसीज थी जो कि ब्रिटिश सरकार भारत में लेकर आई थी और किस तरह से भारत के अंदर कंट्री साइड या कॉलोनी में उनके चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फेज ऑफ फाइनेंस इंपीरियलिज्म। यानी कि आपको भारत के अंदर जो वो लोग पॉलिसी लेकर आए थे फाइनेंस इंपीरियलिज्म की, उसके बारे में बताना है। अगला है हाउ फ्री ट्रेड चेंज्ड द नेचर ऑफ इंडियन कॉलोनी कंप्लीटली, ब्रीफली एक्सप्लेन। तो फ्री ट्रेड जो था उसने पूरी तरह से भारत की प्रकृति को चेंज कर दिया था, उसके बारे में आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। ये भी क्वेश्चन आपको लेंथी क्वेश्चंस में आ सकता है, 4 to 6 marks में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब सम ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट टुवर्ड्स इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो किस तरह से एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने जो कुछ स्टेप्स उठाए थे, वो स्टेप्स आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रीफली एग्जामिन सम इम्पॉर्टेंट इश्यूज रेस्ड बाय राम मोहन राय। तो यहाँ पे राजा नहीं लिखा है, राम मोहन रॉय लिखा है। तो राम मोहन राय द्वारा रेस किए गए कुछ इम्पॉर्टेंट इशू बताने हैं आपको कि कौन कौन से वो मुद्दे थे जो राजा राम मोहन रॉय ने उठाए थे। अगला क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट इश्यूज गिस्ट बाय द ईश्वर चंद्र विद्यासागर। फिर यहाँ पर भी आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे, उन्होंने जो मुद्दे उठाए थे इम्पोर्टेंट, कौन कौन से वो मुद्दे उन्होंने लिए थे जिसके पीछे फिर मूवमेंट्स हुए थे, उनके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन के ऊपर आपको नोट लिखना है, ये आपको शॉर्ट नोट में आ सकता है, यानी 2 marks का या 3 marks का भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। अगला है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द हंटर कमीशन। यहाँ पे हंटर कमीशन पर भी आपको नोट लिखना है। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट के भी ऊपर भी आपको नोट लिखना है, ये एक्सप्लेन करना है, सेम ही बात आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड द कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट 1857। यहाँ पर 2 questions हैं, मैंने साथ में बोल दिए हैं, तो आपको यहाँ पर कॉजेस बताने हैं, कारण बताने हैं कि 1857 के विद्रोह के क्या कारण है और फिर उसका महत्व क्या है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब पीजेंट अपराइजिंग इन साउथ इंडिया। तो जो पीजेंट्स थे वो अपराइजिंग हो रहे थे साउथ इंडिया में, तो उसके बारे में भी आपको बताना है कि किस तरह से वो लोग बढ़ रहे थे। अगला है हाउ वॉज द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इंडियन नेशनलिज्म जो भारतीय राष्ट्रीयता थी वो किस तरह से डेवलप हो रही थी इंडियन नेशनल मूवमेंट के थ्रू,
ये आपको बताना है कि कौन कौन से विकास हो रहे थे। अगला क्वेश्चन है, रिलेट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द इंडिया विद द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनिज्म। तो भारत के अंदर जो राष्ट्रीयता की ग्रोथ हो रही थी, स्ट्रगल के साथ जो संघर्ष हमारे फ्रीडम फाइटर्स कर रहे थे, तो उसकी आपको ग्रोथ बताने की किस तरह से मूवमेंट जो है वो हेल्प कर रहे थे, वो संघर्ष किस तरह से मदद कर रहे थे। हाउ वॉज द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म डेवलप्ड इन इंडिया एक्सप्लेन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस तरह से राष्ट्रीयता का जो एक आइडिया था वो डेवलप हुआ था भारत के अंदर, कि हमें अपने भारत को स्वतंत्र भारत बनाना है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट। तो यहाँ पर स्वदेशी का जो बायकॉट मूवमेंट किया चलाया गया था कि बायकॉट द स्वदेशी, तो उसके ऊपर आपको डेवलपमेंट बताना है कि क्या क्या विकास हुए थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेथड्स ऑफ प्रोटेस्ट वर अडॉप्टेड इन स्वदेशी मूवमेंट। तो कौन कौन से तरीके अपनाए गए थे आंदोलन के, जिसमें कि स्वदेशी मूवमेंट का जो बायकॉट किया गया था, स्वदेशी मूवमेंट जो है उसको अडॉप्ट करने के लिए जो मूवमेंट्स चलाए गए थे, जो प्रोटेस्ट चलाए गए थे, आंदोलन चलाए गए थे, तो उसके आपको मेथड्स बताने हैं, वे बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्रीफली एक्सप्लेन द जलियांवाला बाग इंसिडेंट। जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बारे में आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन भी आपको 6 मार्क का आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द होम रूल मूवमेंट। तो होम रूल मूवमेंट के बारे में भी आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। मे बी अभी क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का आ सकता है या थोड़ा बड़े मार्क्स का भी आ सकता है, तो आप इसको थोड़ा सा बड़े में ही पढ़ के जाइएगा। तो जिस मार्क्स अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप अपना आंसर उसी तरह से दे दीजिएगा। अगला है, एक्सप्लेन द चंपारण मूवमेंट एंड खेड़ा मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी। जो महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण मूवमेंट चलाया गया था और खेड़ा मूवमेंट चलाया गया था, उसके बारे में, जो गुजरात और बिहार में ये दोनों मूवमेंट्स चले थे, तो इसका क्या नतीजा निकला था, व्हाट आउटकम्स ऑफ दिस मूवमेंट। तो इसका क्या नतीजा निकला था, क्योंकि महात्मा गांधी ने अपनी जो है विशेष को पूरा करवा लिया था, मतलब आधे से ज्यादा उनकी विशेष कंप्लीट हो गई थी, तो फिर इसका नतीजा क्या निकला था वो आपको लिखना है। एक्सप्लेन द मार्क्सिस्ट कंसेप्शन ऑफ इक्वालिटी एंड मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी। तो यहाँ पर आपको कार्ल मार्क्स के बारे में बताना है, सिद्धांत देना है कि वो इक्वालिटी का उनका क्या सिद्धांत है और इनइक्वालिटी को किस तरह से प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 इज, डिफाइन डेमोग्राफी। तो आपको डेमोग्राफी की यहाँ पे डेफिनेशन देनी है। क्वेश्चन नंबर 66 इज, राइट अ नोट ऑन इम्प्रिज्म इन द 20th century। तो जो 20वीं सदी थी जो हमारी, उसमें आपको इम्प्रिज्म के ऊपर एक नोट लिखना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई वाज द वॉर इन 1914 नॉन एज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो 1914 की जो जंग हुई थी उसे पहली वर्ल्ड वॉर क्यों कहा जाता है, क्यों इसे वर्ल्ड वॉर का नाम दे दिया गया था, इसका आपको रीजन बताना है। अगला क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है, व्हाई वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मार्क्ड एज अ टर्निंग पॉइंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। तो किस तरह से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी उसने पूरे जो भारत के नहीं पूरे विश्व के इतिहास को चेंज कर दिया था, तो क्या टर्निंग पॉइंट था हिस्ट्री के चेंजेस के अंदर, वो आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाट वर द कॉसेस ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो दूसरी जो विश्व युद्ध हुआ था उसके क्या कारण है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वॉज द एम ऑफ टर्मन डॉक्ट्राइन। तो टर्मन डॉक्ट्राइन का क्या एम है, क्या लक्ष्य है, वो आपको बताना है। ट्रूमैन डॉक्ट्राइन है, ओके। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉन अलाइन मूवमेंट। तो नॉन अलाइन मूवमेंट क्या है, ना सहयोग आंदोलन जिसे कहते हैं, वो क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोग्राफिक चेंजेस, एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आपको बताना है कि डेमोग्राफिक चेंजेस क्या होते हैं और इसके एग्जाम्पल्स भी आपको देने हैं। तो डेमोग्राफिक मूवमेंट्स की आपको परिभाषा देनी है और साथ ही साथ एग्जाम्पल भी बतानी है कि किस तरह से डेमोग्राफिक मूवमेंट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 इज, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ मगध। तो मगध के उद्भव में, यानी कि मगध के उद्भव और विकास में कौन कौन से कारण जिम्मेवार हैं, वो आपको बताने हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज द मीन बाय किंगशिप, हाउ डिड द आइडिया ऑफ किंगशिप ग्रो। तो किंगशिप का मतलब क्या होता है और इसका जो किंगशिप ने जो इसका जो आइडिया, यानी कि ये नई चीज जो भारत के अंदर आई, तो ये किस तरह से इसने ग्रो किया या किस तरह से इसका डेवलपमेंट हुआ, वो आपको बताना है।
लास्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत. यहाँ पे कूल लिखा गया है, मिस प्रिंट हो गया है, लेकिन ये क्वेश्चन बनता है डिस्क्राइब द रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत. तो दिल्ली सल्तनत के रूल के बारे में या दिल्ली सल्तनत की स्थापना और विस्तार के बारे में आपको डिटेल में देना है. ये क्वेश्चन भी आपको लेंथी क्वेश्चंस में आएगा, तो इसे भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा. सो स्टूडेंट्स, आप वीडियो से थ्रू जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके इन क्वेश्चन के आंसर्स भी ले सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.